हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ डिफरेंट वीडियोस जो है वो एक ही वीडियो के अंदर जोड़ सकें, जिसको के दूसरे महीने में कहते हैं कि मैशअप वीडियोस, यानी कि कलेक्ट कर लीजिए एक वीडियोस को, एक बहुत सारी वीडियोस को एक वीडियो के अंदर। तो ये हमेशा हमको वहाँ ज़रूरत होती है इस तरह की वीडियो को, जहाँ पर आप अपना बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारे जो है जो आपने वीडियो बनाई होती हैं यूट्यूब पे या टिकटॉक पे या लाइकी पे, तो आप उसको एक ही स्लाइड के अंदर आप उसको मेंशन कर देते हैं, ताकि वो जो है लोगों को जो है या व्यूअर्स को जो है वो उसमें मज़ा आए देखने में, और वो आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एक साथ देख सकें। तो आज मैं मेरे वीडियो का टॉपिक भी यही है, और मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही यानी कि आपको फौरन ही समझ आ जाएगा, और इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत ही मशहूर और फेमस एप्लीकेशन है। इसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर आपने इंस्टॉल कर दी होगी, और मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, और जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो आइए चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ, मनी टेक सॉल्यूशंस। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं कि किस तरीके से आप कई वीडियो क्लिप्स को एक ही वीडियो क्लिप के अंदर कैसे जोड़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ काइन मास्टर। आइए देखते हैं प्ले स्टोर में उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। प्ले स्टोर को आपने ओपन किया, और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे आप काइन मास्टर। तो देखिए, ये ऊपर ही टॉप के ऊपर आ गई है, और ये मैंने ओपन की है, तो ये इसका इंटरफेस इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, इस वजह से ओपन शो कर रही है। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल का बटन जो है वो आ जाएगा। तो आइए चलते हैं मेरी एप्लीकेशन की तरफ, जो कि मेरे फ़ोन के अंदर है। तो ये देखिए, ये इंस्टॉल है, मैंने इसको ओपन किया, और इसने इस तरीके का इंटरफेस मेरे पास शो किया। यहाँ पर मेरे पास ये 5 किस्म के जो है ऑलरेडी प्रोजेक्ट मौजूद हैं, तो मैं इस पर काम नहीं करूँगा, तो हमको न्यू प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ये प्लस का बटन जो नज़र आ रहा है रेड सर्किल में, इसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर 3 किस्म के ये एस्पेक्ट रेशियो विंडोज़ कह लें कि आप ये आ गई हैं, तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी जो है ना साइज़ के हिसाब से ही, वीडियो के हिसाब से, जैसे यूट्यूब पर करना चाहते हैं या कहीं और, तो उस हिसाब से ये रेशियो होते हैं। तो मैं इसके लिए जो है ये सेंटर वाला 9.16 ये सेलेक्ट करता हूँ। ये मैं सेलेक्ट किया, तो ये देखिए ये ब्लैक इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने करना ये है कि मैंने अपनी जो वीडियो है अब वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। वो इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट हैं, तो मैं उसके लिए मीडिया में जाना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं साइड में 4, इनमें से मुझे टॉप वाले पे मीडिया पे जाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, टॉप पे राइट लेफ्ट पे टॉप पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है। ये इस एप्लीकेशन की, जो काइन मास्टर एप्लीकेशन की बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है, तो यहाँ से आप इसको क्लिक कीजिएगा। ये ब्लैक बैकग्राउंड मैंने जैसे कहा था आपसे, वो आपको लेना पड़ेगा। आपने ये क्लिक किया तो ये देखिए नीचे आ गया। तो हमने आपकी जो वीडियो है, जितनी भी वीडियो आप बनाना चाहते हैं, 2 मिनट की, 1 मिनट की, तो या 3 मिनट की, व्हाट्सएवर, तो वो आपने इसको यहाँ से क्लिक करके, अब हमने इसकी टाइमिंग सेट करनी है। देखिए 5.9 सेकंड बहुत कम है, तो हमने इसको ड्रैग करके वीडियो की टाइमिंग बढ़ानी है। ये देखिए, मैंने फिंगर से या थंब से इसको मैं ड्रैग करता जाऊँगा, प्रेस किया और ये आप इसको राइट साइड पर ड्रैग करते गए, तो ऑलमोस्ट तकरीबन अगर मैं इसको 2 मिनट कर लूँ तो बहुत है आपको सिखाने के लिए, 2 मिनट 0.22। तो मैंने इसको क्लिक करके ओके कर दिया। तो अब ये ब्लैक बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा था आपको ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। अब आते हैं हम
अपनी वीडियो जो जो मैंने वीडियो सेलेक्ट करनी है, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर वो मैंने इमर्ज करनी है, या कहने उर्दू में कहते हैं कहना चाहिए इसको कि जोड़ देनी है। तो आइए मैं अब यहाँ पर हमने एक दूसरा जो ऑप्शन है लेयर, उसमें जाना होगा। लेयर को हमने क्लिक किया, ये दोबारा देखिए टॉप के ऊपर मीडिया नज़र आ रहा है, हमने इसको मीडिया को सेलेक्ट किया। तो ये देखिए मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो शो कर रही हैं, तो इनमें से मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जिसके अंदर मैंने ये डाउनलोड की है। तो मैं अपनी एक एप्लीकेशन है उसके अंदर जाता हूँ जिसके अंदर मैंने ये वीडियोज़ जो है मेरी हैं जो इनको मैंने अपने डाउनलोड किया हुआ। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ कहाँ कहाँ हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से कुछ वीडियो की हुई हैं मैंने, तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर इसको ट्रैक करता हूँ, मैंने कोई सी भी यहाँ पर वीडियो लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो ये लेनी है, तो इस वीडियो को मैंने ये आप देखिएगा यहाँ पर एरो का निशान है बॉक्स के अंदर, हम इसको प्रेस करके तो मैंने इसको अपनी इस वीडियो पर ले आना, स्क्रीन पर ले आना। ये देखो ये आ चुकी। अब इस वीडियो का जो जहाँ तक ये वीडियो का टाइम है वहाँ तक ये रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर सेकंड इसको मैंने ऊपर क्लिक करके इसको मैंने ओके कर दिया, ये एक वीडियो आ चुकी है, यानी कि मेरे इस क्लिप के अंदर ऐड हो चुकी है। अब मैंने दूसरी वीडियो लेनी है, तो उसके लिए मुझे लेयर पर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा से मीडिया पर जाएंगे, और यहाँ पर हम हमारे पास जो जो वीडियो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और जगह जाता हूँ और मैं यहाँ से एक और वीडियो ले लेता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा ये वीडियो चल रही है इसको मैंने ट्रैक करके यहाँ तक ले आना है, ताकि ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो जाए। अब मैं दोबारा लेयर में जाके वीडियो में जाऊँगा, और जैसा कि मैंने डाउनलोड में गया था अपनी जहाँ पर मेरे वीडियो हैं, ये देखिए वीडियोज़ का ऑप्शन, तो मैंने ये वीडियो सेलेक्ट की। तो ये देखिए अब ये वीडियो आ चुकी है, और इसको भी मैंने एरो की मदद से अप कर देना है, यहाँ पर ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये एक और वीडियो डाउनलोड हो चुकी आ चुकी है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ड्रैग करके इसको क्लियर कर देना है, ये देखिए क्लियर हो चुकी। दोबारा से लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, फिर वीडियो में जाऊँगा, और एक और वीडियो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूँगा, इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दूँगा, और यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी तीन वीडियो जो है ऑलरेडी मैं इस पर डाउनलोड कर चुका हूँ, या दूसरे महीनों में आप कहना चाहिए कि इसको मैं इमर्ज कर चुका हूँ। इस तरीके से आप और भी वीडियोस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है लास्ट वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड लिया था, वो मैं इसको यहाँ से कैंची के ऑप्शन में जाके इसको मैं कट कर दूंगा। अगर राइट साइड का कट करना है तो मैं राइट वाला ट्रिम टू द राइट, ये देखिए वो ओके कर दिया। तो आपकी ये एक वीडियो क्लिप जो कि 12.88 की है, तो हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए अब ये दूसरी वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, हमने थोड़ा सा आगे किया इसको, ये देखिए ये दूसरी वीडियो। ये तीसरी वीडियो यहाँ पर स्टार्ट है। तो दोस्तों इसको अब यहाँ पर आप शेयर का जो ऑप्शन है इसमें जाके आप इसको क्लिक कीजिएगा, तो ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये आपकी एक वीडियो क्लिप रेडी है जिसके अंदर आपने तीन वीडियो क्लिप्स जोड़ दी हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ वीडियोस या क्लिप्स जो है वो किस तरीके से एक स्लाइड के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इनक्रेजमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।